नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयशी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। न्यायालय भोपाल विशाल परिसर करोड़ों की लागत से बनाया गया। रोजाना 3 से 4 हजार लोगों का आना जाना, सैकड़ों किलोमीटर से प्रतिदिन कार्य हेतु भीड़ लगी ही रहती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। प्राइवेट एजेंटों की हड़ताल से यह परिसर पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि हड़ताल की वजह से काम की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है। आम जनता परेशानी देख रही है और वर्तमान प्रभारी आरटीओ जितेन शर्मा द्वारा जब से प्रभार में आए हैं तभी से कार्यालय में सन्नाटा पसरा है। प्राइवेट आरटीओ एजेंट ने आरोप लगाया है कि उनके स्वयं के बनाए नियमों पे वह कार्य करना चाहते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है। पूर्व आरटीओ अधिकारी द्वारा सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है। कार्यालय में आने वाले व्यक्ति को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का हमेशा से आम जनता को फायदा मिलता रहता था। शासन से निवेदन है कि पूर्ण रूप से जो सुचारू कार्य हो रहे थे उन्हें चलाया जाए। आरटीओ अधिकारी जितेंद्र शर्मा का कहना यह है कि पूर्ण रूप से काम सुचारू रूप से चल ही रहा है। वहीं प्राइवेट एजेंटों ने आरोप लगा दिया है कि सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, पूरे परिसर में सन्नाटा पसरा। बताइए। मैं बीएस राजपूत आरटीओ सलाहकार संघ का सदस्य हूँ, विगत कई वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। आपने के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले भी कई स्थिति परिस्थितियाँ रही हैं, जब जब भी कोई अधिकारी आया तो थोड़ा बहुत नियम कानून अपने हिसाब से चलाते, लेकिन उनको नियम को भी देखते हुए और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए सुचारू ढंग से अभी तक चल रहा था। लेकिन एक तारीख से, आज जो है 21-22 तारीख हो गई, 22 तारीख से पूरा इतना विशाल करोड़ों की लागत से ये परिसर बना है। इस परिसर में कम से कम 2.5 से 3 हजार रोज पब्लिक आती थी, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से, क्योंकि विदिशा के राजगढ़ से, विदिशा से, बैरसिया से, अपना आसपास के बैरगढ़ चीचली से, और लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग आते थे। आज देखिए इस परिसर में सन्नाटा पड़ा हुआ। सन्नाटे का कारण ये है कि वर्तमान सरकार की जो नीतियां और जनकल्याणकारी योजनाएँ जो गडकरी जी ने, परिवहन मंत्री जी ने बनाई हैं, वो पब्लिक को इतनी भाई हैं और उससे इतना फायदा हुआ है लोगों को कि घर बैठे लोगों के काम सुचारू ढंग से हो रहे हैं। एनआईसी के माध्यम से कुछ एक काम ऐसे थे जिसके लिए यहाँ पर आरटीओ में आना पड़ता था, और वो जब से ये प्रभारी आरटीओ जितेंद्र शर्मा जी आए हैं तब से उन्होंने अपने इतने कानून खुद के बना दिए हैं, जो पूर्व में आरटीओ अभी रिटायर हो के गए हैं उन्होंने भी कभी नहीं करा, और ये वर्तमान आरटीओ ने अपने नए कानून लगा करके और इस परिसर को पूरा ऐसा तहस नहस कर दिया है कि पब्लिक इतनी परेशान है, यहाँ आती पब्लिक देख करके लौट जाती, स्टाफ नहीं मिलता है, ये खुद भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। अब आई बात राजस्व की, राजस्व की हानि इसलिए हो रही है कि अगर 2.5 और 3 हजार पब्लिक रोज आती थी तो जाहिर सी बात है अपना फीस और टैक्स और दुनिया भर की चीज़ें भरती थी, इससे कि सरकार को लाखों से लाखों की संख्या में जो है नुकसान हो चुका है। और अगर इनका रवैया यही रहता है, हालांकि हमने हमारे क्षेत्रीय विधायक, परिवहन मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी और भी अन्य विधायकों को हमने सूचना के माध्यम से, सोशल मीडिया से और ज्ञापन दे करके आए हैं, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित ही मानिए कि ये हड़ताल हमारी ऐसी जारी रहेगी। और यूनियन एकता जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद, आरटीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपने नियम नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, आरटीओ यूनियन जिंदाबाद, आरटीओ यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद सर। लगातार प्राइवेट एजेंट की जो हड़ताल चल रही है उसको क्या आरटीओ का असर पड़ रहा है? आरटीओ पर संपूर्ण रूप से 99% असर है। पहली बात, आरटीओ में कोई कार्य नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का, ना टीओ हो रहा है, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, और आरटीओ महोदय मनमानी कर रहा है सीधी सीधी, और तानाशाही कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं लोगों पर। पब्लिक जो आती है उनको परेशान करके भगा दिया जाता है। पब्लिक पूरा इतना जो हाल है पूरा खाली देखने को मिल रहा है, पूरे वीडियो फुटेज में खाली नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पूरा माहौल बड़ा नजर आ रहा था, पहले कम से कम 2-2.5 हजार लोग आते थे कार्यालय में और काम कराते थे, लेकिन अब 50 लोग भी नहीं आ रहे हैं। सर, इससे सरकार को क्या नुकसान हो रहा है?
जी सरकार के नुकसान हो रहा है, सरकार को कम से कम 50% से 90% नुकसान हो रहा है, 90% उसका रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। सर लगातार प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, हमारा सरकार से अनुरोध है और निवेदन है कि जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाए और इस व्यक्ति को यहाँ से भगाया जाए। सर आरटीओ अधिकारी का कहना है कि काम में कोई रुकावट नहीं आ रही, काम सुचारू रूप से चल रहा है। वो आरटीओ गलत बोल रहे हैं, सीधी सीधी बात है, कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई आई नहीं दिया तो काम करेंगे क्या आरटीओ महोदय? हम पब्लिक को डायरेक्ट पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, उनका काम हो ही नहीं रहा किसी भी। सर नाम बता दो, 5200 फाइलें पेंडिंग हैं जो क्लिक नहीं की गई हैं, इसमें से 2800 फाइलें कम से कम न्यू रजिस्ट्रेशन की हैं। नाम बता दीजिए। मैं जगदीश त्यागी। पब्लिक स्वयं आकर अपना कार्य करा रही है और पूरी तरह से सुचारू रूप से परिवहन कार्यालय का कार्य जारी है। निश्चित रूप से पब्लिक अपना काम स्वयं ऑनलाइन आवेदन करके करा सकती है और ये पब्लिक करवा भी है। काम लगातार आरटीओ ऑफिस में सुचारू रूप से जारी है।